हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एलिमिनेशन मेथड लगता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इक्वेशन दी गई है 3x plus 4y is equals to 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus 2y is equals to 2। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल के या तो x के या तो y के कोफिशियंट को सेम कर लेंगे, और अगर जिस कोफिशियंट को सेम करेंगे उस कोफिशियंट के दोनों इक्वेशन में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो हम y के कोफिशियंट को सेम करेंगे तो यहाँ 4 है, तो अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4y हो जाएगा, और यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो हम लोग ऐड कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 10। नेक्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 4x minus 4y is equals to 2 to the 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऑन एडिंग क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 7x और ये कट जाएगा, और ये इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस 4 14। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 अपॉन 7, 7 टू जा 14। अब y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहां से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 3x प्लस 4 इंटू 2, तो 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, हाँ 4 टू जा 8 10 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू सॉरी हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग को y की वैल्यू निकालनी, गलत हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्या है हमारा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू यहां से आ गई हमारी 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, पहले इसको हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 5y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को भी लिखेंगे वैसे ही, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 16। y के कोफिशियंट को सेम करें या x के कोफिशियंट को सेम करेंगे, दोनों बात बराबर होंगी। x के सेम करते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का, तो दोनों क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो 6 करने के लिए यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमने पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है, क्या आई है 5y को इधर ले आए तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिख लिया, 3x माइनस 2y 16 को उधर भेज दिया, माइनस 16 हो गया। इसको 3 इक्वेशन डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, कोफिशियंट को सेम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x के कोफिशियंट को सेम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 और 3 को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का नीचे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 का ऊपर 2 का नीचे, 3 टू जा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32। तो अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग सॉरी ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सेम साइन है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा, सबसे पहले तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, ये कैंसिल, 6 माइनस 6x कैंसिल, प्लस माइनस का 15 प्लस का 4y, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 11y इज इक्वल टू प्लस प्लस 44 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहां से, माइनस 4, 11 4 जा 44। तो अब ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4, 2x
एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 20, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 16, x इज इक्वल्स टू माइनस 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3/4x माइनस 2/3y इज इक्वल्स टू 1 एंड 3/8x माइनस 1/6y इज इक्वल्स टू 1। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4 और 3 का, क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे 4 3 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9x और माइनस 4 2 8y और 12 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं। 12 एलसीएम लिया तो 3 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1, 12 को उधर भेज दिया तो ये 12 हो गया। ठीक, ये आगे इक्वेशन 1, इसी तरह इसको लिखेंगे क्या, 24 आएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, तो 24 भी उधर चला जाएगा तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 2। साइन सेम है, क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, कैंसिल हो जाएगा ये, माइनस का 8 प्लस का 4, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 माइनस प्लस का 12 तो माइनस का 12, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 3। अब ये y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x 8 3 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 12, तो 9x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 12 36, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई, तो x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x अपॉन 3 प्लस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 को उधर लेंगे 3। ठीक, इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6 4 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 6 उधर चला जाएगा तो 0, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको यहाँ 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 3, तो ये लिख दे रहे हैं माइनस 3, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों के कोफिशियंट सेम हो जाएंगे, या इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के कोफिशियंट सेम हो जाएंगे, तो हम लोग इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा 16x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 24, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, साइन डिफरेंट है तो ऑन एडिंग, यहां क्या करेंगे ऑन एडिंग, क्या आएगा 16 प्लस 4x 20x, ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 24 माइनस 3 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/20। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 21 अपॉन 20 माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो 2 10 से 20 माइनस 3y को उधर भेजेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3y प्लस तो हो जाएगा 21 अपॉन 10 माइनस 3, तो यहां से क्या आएगा 3y इज इक्वल्स टू 10 21 माइनस 10, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा 11, तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू, हाँ तो यहाँ पे ये सॉरी 10 3 30 हो गए यहाँ पे, तो 21 माइनस 30 तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी
माइनस नाइन और थ्री इधर जाएगा तो थ्री टेन्स आर 30, तो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टेन्स आर वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस थ्री बाई टेन और एक्स की वैल्यू थी 21/20। तो ये हमारा आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15x-14y=117 और दूसरी क्वेश्चन है 14x-15y=115। तो इस तरह की इक्वेशंस जब होती हैं जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं एक दूसरे वेरिएबल के एक्सचेंज हो जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, तो क्या करते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार एड करते हैं, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑन एडिंग हमें क्या मिलेगा, ऑन एडिंग सबसे पहले एड करेंगे, यहां लिख देते हैं ऑन एडिंग। तो 15+14 कितना हो जाएगा हमारे पास, 29x- ये क्या हो जाएगा 29y=7 by 12 1 1 2 3 और 2 32। तो 29x-29y=232। तो यहां से अगर हम 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा, 8 29 8 कितना होगा, 8 9 72 8 2 16 16 और 7 23। तो ये 8 टाइम्स जाएगा। तो 29 अगर इससे कॉमन ले लें, 29 से पूरे को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन x-y, यहां लिखते हैं नीचे लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास x-y=8। ठीक, इसी तरह क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को करेंगे, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3, ये 1, ये 2, ये 3। नेक्स्ट इक्वेशन ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15-14x, इसमें से -14 -+15+y=, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। ये आ गई इक्वेशन 4। अब इन दोनों में देखिए इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऑन एडिंग 3 and 4 2x=8-2 6, x=3 एंड x की वैल्यू यहां रख देंगे तो 3 3-y=8। तो यहां से आएगा y=3-8, तो y=-5। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे, ऑन एडिंग क्या आएगा हमारे पास 94x+94y=7 by 12 8 2 82। ठीक, फिर इसको 94 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी x+y=3। ठीक, इक्वेशन थर्ड ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, या 1 and 2 डाल दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास 53-41 कितना आएगा हमारे पास -12x+12y=12। ठीक, माइनस का तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -x+y=-1। ठीक, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
तो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या मिल जाएगा हमें, x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3 minus 1 2, तो यहां से y की वैल्यू आई 1, ये y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 1 और 3 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 minus 1 2, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x अपॉन 6 इज इक्वल टू y माइनस 6 एंड 3x/4 इज इक्वल टू 1+y। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो y को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, x अपॉन 6 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x/4 माइनस y इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, साइन सेम है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, x बाई 6 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू, y कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। यहां से एलसीएम लिया, क्या आया हमारा 12 आया, तो 2x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 7, ये 12 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 9x माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू 12, तो माइनस 7 माइनस 7 कैंसिल, क्या आ गया हमारे x की वैल्यू 12 आ गई। फिर ये x की वैल्यू हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू 12/6 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, तो यहां से आ जाएगी 6 टू जा, y को उधर भेज देंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 6 प्लस का हो जाएगा, तो 6+2 8, y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x माइनस 2/3y इज इक्वल टू 8/3, 2x अपॉन 5 माइनस y इज इक्वल टू 7/5, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले इक्वेशन का एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 3। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 एलसीएम आएगा, तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7/5, 5 से 5 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 4। अब हमें कोफिशियंट सेम कर रहे हैं, तो चाहे तो इन दोनों के करें, चाहे इन दोनों के हम लोग x के करते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा हमारी इक्वेशन, क्या आएंगी 6x माइनस 4y 18 × 16, ठीक, ये हो गई इक्वेशन 5, 6। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 7 × 3 = 21, 6 कोफिशियंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस का 15 माइनस का 4 11y, माइनस का 21 प्लस का 16 क्या हो जाएगा 5 माइनस का, तो y की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 5/11, और ये इक्वेशन में पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, या इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस, इसी में पुट करते हैं, x माइनस 2 × −5/11, तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 10/11 हो जाएगा इज इक्वल टू 8/3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू
8 बाय 3 माइनस 10 बाय 11 एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 33 तो 88 माइनस 30 यहाँ से आया हमारा x की वैल्यू क्या आई 88 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 58 अपॉन 33 x की वैल्यू आई 3 भी था तो यहाँ पे 33 पहले से हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 33 तो क्या आ जाएगा एलसीएम 33 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 88 माइनस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 78 अपॉन 33 ये 3 से कटेगा 3 टू जा 6 3 6 जा 18 और 3 11 जा तो x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 11 एंड y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 11। हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 9 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 7 और 2 ब्रैकेट में x प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। सबसे पहले तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे 9 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 7 तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी माइनस x माइनस y इसको उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 और माइनस का 13 प्लस का 7 तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6 ठीक। अब चाहे तो इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ठीक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y ठीक 3y को उधर ले गए प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 2 5 यानी कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के कोफिशियंट सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें क्या जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन 3 ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि सेम साइन है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा साइन चेंज हो जाएंगे कट जाएगा ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4 हो जाएगा हमारा माइनस 8 तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3 आ गई y की वैल्यू। फिर ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या आएगी इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगी या इसमें करते हैं x प्लस वाई में तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 बाई 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 6 जा 18 18 प्लस 8 26 अपॉन 3 x की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 3 तो x की वैल्यू 26 अपॉन 3 और y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 8 बाई 3। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 2x प्लस x माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 x माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 तो सबसे पहले एलसीएम लेके हम लोग इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा एलसीएम हमारा 6 तो 6 टू 12 x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो यहां से क्या आ जाएगी इक्वेशन 12x प्लस x 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 टू 12 इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट पे क्या एलसीएम आएगा 3x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल अब 6 को क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12x प्लस x 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 1
फिर नीचे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x, x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। दोनों के साइन सेम है, क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस चेंज करेंगे साइन, तो 13 माइनस एक्स 12x, और 12 माइनस 3 y कट जाएगा, 12 माइनस 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3/4। किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, क्या आ जाएगा, y को उधर लेगा 3 को उधर, 3/4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, यहां से एलसीएम लिया, 4 3 12, 3 माइनस 12 क्या आ जाएगा हमारे पास 9, तो माइनस y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू 4 3 12, 12 माइनस 3 कितना होगा 9, तो माइनस 9/4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/4 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 9/4। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, पहले हमें इन दोनों को अलग अलग इक्वेट करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो क्या कैसे करेंगे देखते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो एंड सेकेंड क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक, तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, x माइनस 3x कितना आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, एंड नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3x कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कोफिशियंट किसी के भी सेम नहीं है, क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोफिशियंट सेम हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, पहले 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 थी, ये नई इक्वेशन आई 3, साइन सेम है तो क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या आ जाएगा साइन चेंज होंगे नीचे के, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1, यानी वाई की वैल्यू आई यहां से माइनस 1। किसी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी माइनस 1 एक्स माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4x plus x minus y upon 8 is equals to 17 and 2x plus x 2y plus x minus 5y plus 2 upon 3 is equals to 2। तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 8 4 32x plus x minus y upon में जो 8 होगा हम 17 के पास भेज देंगे, 17 into 8 136। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई हमारी 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 3 2 6y 6y माइनस 5y कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पे y की जगह प्लस का y लिख देते हैं। ठीक, 3x 3 into x 3x और ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक, अब प्लस 2 और ये 3 2 6 6 माइनस 2 प्लस 2 सॉरी ये माइनस, दोनों में मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y माइनस 2, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा,
ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोफिशियंट सेम है, बस दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 33 + 3 = 36x इज इक्वल्स टू 136 + 8 = 144। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 144/36। तो यहां से 36 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 × 36 = 144। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में इसमें रख देते हैं तो 3 × 4 + y = 8, 3 × 4 = 12 + y = 8। तो y = −12 + 8 − 4। तो x = 4 and y = −4। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 3x + 3 + 2y − 2 = 8। यहां से इक्वेशन क्या आई हमारी, 3x + 2y, और 3 − 2 = 1, और 6 × 8 = 48, और 48 − 1 = 47, इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट में क्या लेंगे, 6 आएगा एलसीएम, 2x − 2 + 3y + 3 = 9। क्या आएगी इक्वेशन, 2x + 3y = 3 − 2 = 1, 6 9 = 54, 54 − 1 = 53, इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने देखा था जब कोफिशियंट इंटरचेंज हो रहे हो एक से दूसरे इक्वेशन में तो क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 = 5x + 5y on adding = 7 + 3 = 10, 5 + 4 = 9, 9 + 1 = 10, 100। ठीक, 5 से काटा हम लोगों ने तो ये क्या आ गया, x + y = 20। एक बार क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 3 − 2 × 2 − 3 − y = 53, −47 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x − y = −6। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x = 20 − 6 = 14। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 7, और तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 20 − 7 = 13। तो ये हमारे आंसर आ गया। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 upon x + 4y = 7 and 5 upon x + 6y = 13। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y के कोफिशियंट को सेम करेंगे। तो इन दोनों को सेम करने के लिए देखिए, 4 और 6 के एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे, और 6 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है तो उसको 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 × 3 = 9 upon x + 12y = 21, 2 × 5 = 10 upon x + 12y = 26। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, ये हो गया 9 upon x - 10 upon x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 upon x - 10 upon x, x एलसीएम सेम,
तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 यानी कि -1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से -1/x इज इक्वल्स टू -26 + 21, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1/5 आ गई x की वैल्यू, ठीक। तो अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, मान लीजिए इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगी यहां से 3 अपॉन x की जगह 1/5 रखेंगे प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, तो ये 5 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 + 4y, और 15 उधर जाएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू 7 - 15 यानी कि -8। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 4 2 - 2, तो x इज इक्वल्स टू 1/5 एंड y इज इक्वल्स टू -2, ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5x - 9 इज इक्वल्स टू 1/y, x + 1/y इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या आएगी 5x - 1/y इज इक्वल्स टू 9 को उधर भेजे 9, इक्वेशन 1 इसके लिखी है ऑलरेडी, इसको ऐसे लिख देंगे इक्वेशन 2। कुछ नहीं हमको सेम करना है, केवल क्या करना है दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5x + x 6x, ये दोनों कैंसिल, 9 + 3 12, x की वैल्यू आ गई यहां से 2, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1/y इज इक्वल्स टू 3, 1/y इज इक्वल्स टू 3 - 2 यानी कि 1, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 आ गई, तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px + qy इज इक्वल्स टू p - q एंड qx - py इज इक्वल्स टू p + q। तो अगर हम लोग y के कोफिशियंट सेम करेंगे तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में p का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इक्वेशन में q का, कर देते हैं जरा p का और q का मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगी पहले इक्वेशन p² x + pqy इज इक्वल्स टू p² - pq, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी q² x - pqy इज इक्वल्स टू pq + q² 1 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या करना है सिर्फ इनको ऐड करना है, ऐड कर देंगे क्या आएगा p² + q² एक्स p² + q², ठीक, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा p² + q² + pq - pq कैंसिल, तो क्या बचेगा p² + q² बचेगा, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई p² + q² x इज इक्वल्स टू 1 1, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा p × 1 p + qy इज इक्वल्स टू p - q, क्या आ गया यहाँ से qy की वैल्यू, p उधर जाएगा -p, तो p और -p कैंसिल, क्या आ गया qy इज इक्वल्स टू -q, तो y इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x / a - y / b इज इक्वल्स टू 0 एंड ax + by इज इक्वल्स टू a² + b² सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी bx - ay इज इक्वल्स टू 0, ए बी इधर 0 में चला जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है ax + by इज इक्वल्स टू a² + b² अब सेम y के कोफिशियंट सेम करने हैं 1 2
क्या करेंगे, इसमें b का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें a का मल्टीप्लाई कर देंगे, b इंटू ए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, थ्री फोर साइन डिफरेंट है, क्या करना है केवल हमको एड करना है, एड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू यहाँ से ए आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा बी इंटू ए माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई को उधर ले गए, क्या आ गया हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए बी, तो y इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल b, x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू b, हमारा आंसर आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x plus y इज इक्वल टू 23, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको 2 एंड 4x minus y इज इक्वल टू 19, इनकी वैल्यू यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 3y की और 5y माइनस 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 23, 4x माइनस y इज इक्वल टू 19, कुछ करना नहीं है इसमें, क्या करना है केवल ऐड करना है, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6x एक्स इज इक्वल टू, ये कट गया 23 प्लस 19 32, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 2 1 3 और 4 42, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पुट कर देंगे 7 4 से 28 माइनस y इज इक्वल टू 19, तो y इज इक्वल टू 28 माइनस 19, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक, तो वो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमें x माइनस 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 9 27, तो ये क्या आ गई 7 माइनस 27 माइनस 20, और 5 बाई माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 बाई 5 7 से 35 माइनस 2x 2 9 से 18, कितना आ गया 7 एंड 2 में से बन गया 1। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, ये उल्टा लिखा हुआ है, 5y माइनस 2x लिखा हुआ है, तो 5y माइनस 2x क्या होगा 5y 5 9 जा 45 एंड 2x माइनस 2 7 जा 14, तो यहां से क्या आ जाएगा 31, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इक्वेशन दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7 जब एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1 है। दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 जब एक्स इक्वल टू माइनस 1 और वाई इज इक्वल टू 1 है। क्या करेंगे, ये एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमें ए और बी में केवल इक्वेशन मिल जाएगी और वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोग करते हैं क्या होगा, ए इंटू 2 यानी कि 2a, x की जगह 2 रखा, a इंटू 2 2a प्लस b की जगह 1 रखा, तो y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 1। नेक्स्ट में क्या है, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस a और y इज इक्वल टू 1, तो प्लस y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब देखो y के कोफिशियंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो गए नीचे के, प्लस माइनस माइनस 2a प्लस a 3a,
वाई से वाई कैंसिल इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। ए की वैल्यू यहां से आ गई 2। अब ये ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट करते हैं क्या आएगा, -2 + y = 1। y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 + 1 3। तो ए सॉरी 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 यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा बी, ठीक है। तो यहां से बी की वैल्यू आएगी तो बी इज इक्वल्स टू 3। ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कैन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली, क्या ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करती हैं कि नहीं, ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टू इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इन दोनों के y के कोफिशियंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15x -35y = 49। 7 × 11 = 77x +35y = 7 × 7 = 49। कैरी 4 × 7 = 56 और 4 = 60। ठीक, अब फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन दोनों के y के कोफिशियंट भी सेम हो गए, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, एड करेंगे, क्या आ जाएगा, 15 + 77, 7 + 5 = 12, 7 × 1 = 8, 8 + 1 = 9, x 92x ये कट गया इज इक्वल्स टू 9 × 9 = 18, 4 = 15 एंड 658। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 658/92। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 92 से काटेंगे तो हमारे काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18। तो ये हो गया, ठीक। अब किससे कटेगा, सही काटा मैंने, सॉरी यहाँ पे 5 × 7 = 35 आएगा, 35 तो ये जाएगा यहाँ पे 644 ना, यहाँ पे गलत हो गया, तो इसको सही करेंगे, 644 इसको काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 ये क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 1 = 2। अब ये 23 × 7 होता है 161, तो यहां से x की वैल्यू आई 7 एंड y की वैल्यू क्या आएगी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ में पुट करते हैं क्या आता है, 3x यानी 3 × 7 = 21 -7y = 7। तो 7y को उधर ले जाते हैं, 7 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, 21 - 7, 21 - 7 कितना हो जाएगा, 14, 7y = 14, तो y = 2, ठीक। x = 7 एंड y = 2, दीज वैल्यूज वी कैन पुट ऑन इन इक्वेशन 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 7 + 4 × 2 = 43, ये हो जाएगा 35 + 4 × 8 = 43, 43 = 43, क्या हो गया, LHS = RHS। सो दीज इक्वेशंस कैन होल्ड साइमल्टेनियसली,